राम राम सीताराम। तो आज मॉर्निंग में एवरी 15-20 दिन बाद जो हमारा क्लीनिंग होता है पशुओं का, खास करके ये जो मूंगफली का चारा होता है उसका लेफ्ट ओवर बच जाता है, और इसमें जो नीचे मिट्टी होती है वो भी होती है, बाकी का ये जो इसका जो पौधे का मूल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है खाने में। फिर भी कुछ एनिमल का अपना अपनी चॉइस होती है, जैसे शिवानी को ये ज़्यादा पसंद है, तोरी इसके पत्ते खाती है मूंगफली के जो पौधा होता है उसके, और इसको हम मगोटा बोलते हैं। ये फिल्टर एरिया वाइज सब अपने अपने हिसाब से इसका नाम रखे हुए, लेकिन हम मगोटा बोलते हैं, पालो बोलते हैं, पालो भी बोलते हैं मूंगफली का। इसमें साथ साथ मूंगफली भी होती है थोड़ी सी, लेकिन वो बहुत ही लाइट वाली। और आज सुबह सुबह वैलेंटाइन डे स्पेशल रामदेव ने बोला कि ये क्लीनिंग कर दो, ये हम दोनों के लिए एक दूसरे से गिफ्ट है, तो अच्छा लगेगा। सो दूसरी साइड का हो गया मीरा का और गाय का, अभी इस साइड का बाकी है। और पहले ये ऊपर का निकाल के बाद में जो मिट्टी होती है वो धूल, मतलब पूरा इसका जो गमांड जिसको हम बोलते हैं खाने का ये एरिया बना होता है उसको क्लीन करेंगे, बाद में नया खाना डालेंगे। फिर अभी मॉर्निंग का जो भी होता है कैरेट निकालना, ग्रीन ग्रास काटना, ये सब तो वो करूँगा। और आज ओम को स्कूल नहीं जाना है, ओम नहीं जाएगा, संडे है तो। पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे शहीद हुए थे, हमारे सोल्जर्स, तो शहीदों को सलाम। जितने भी शहीद हैं हमारे, जितने भी हमारे आर्मी जवान हैं, उनको सबको दिल से सल्यूट। और हमेशा ही हम बोलते हैं, बहुत से आर्मी के जवानों का कभी कॉन्टेक्ट भी होता है, मैसेज इसमें बात होती है, तो बोलते हैं कि हम सब आपके वीडियोज़ देखते हैं, पूरे वहाँ के जो लोग हैं वो भी, तो दिल से थैंक यू, धन्यवाद। एंड इस आज वैलेंटाइन डे के दिन पर हमारे सारे आर्मी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स जो आर्मी में है, सभी को हमारी तरफ से एक छोटा सा फ्लावर ये जताने के लिए कि थैंक यू, आप मेरी रक्षा करते हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो। थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, तो कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स में से कोई हमें हेल्प करने आने वाला नहीं है अभी यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम स्टॉक में रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट ईयर बारिश नहीं होती या कुछ भी ऐसा हो, मूंगफली नहीं होती इमरजेंसी में, या तो खास करके जब समर आता है तब ये सूख जाता है, और वापस ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, फिर वो खा सकते, अगर फिर इतनी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर कोई भी जो यहाँ आसपास में जो होते हैं जो लोग एनिमल्स लेके निकलते या तो अफोर्ड नहीं कर पाते तो हाँ, उनको दे देते, उनको दे देते, तो वो उसके एनिमल्स खा जाते हैं सबको। तो ये 10-15 दिन का जो एक्स्ट्रा है वो स्टॉक है पूरा, शिवानी की जगह है ये। और इस साल मूंगफली का चारा इतना अच्छा और नहीं रहा था, क्योंकि बहुत बारिश की वजह से वो सड़ जाता है खेत तो में, लास्ट में बारिश हुई थी जब निकालने का टाइम, जो एक स्मेल आ जाती है तो वो उसके बाद नहीं खाते इतना अच्छे से। और इस साल पत्ते भी गिर गए थे नीचे जो बच जाती है मिट्टी। जो वो टेक्निकल वाले वो चैनल वाले होते हैं ना, वो गिव अवे करते हैं, जैसे कि कुछ फोन देते हैं या ऐसा कुछ देते, तो हम भी गिव अवे कर सकते हैं कि एक दिन आप यहाँ पे आ सकते हो और ये सारा काम में हेल्प कर सकते हो। ऐसे ये जोक था? नहीं, ये रियल फीलिंग थी। अच्छा, तो ये कोई करने आए और उसको तुम गिव अवे में ये दोगे सारा लेफ्ट ओवर जो है, और मिट्टी भी साथ में। इसको बोलते हैं, रुको, आई एम ए टूरिज्म स्टूडेंट, मैं रुका हूँ वैसे, मैं तो तुम्हारे साथ ही रुका हूँ। आई डी डिग्री इन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हो गया। इसको हम इको टूरिज्म बोले नहीं, इसको हम एग्रीकल्चर टूरिज्म बोल सकते हैं या फिर डेयरी फार्मिंग। वो तो मेरा प्लान है आगे जाके वो टूरिज्म वाला करने का। वैसे तो आप यहाँ पे आओ, गायों का घोड़ियों का सब कुछ करो काम, घोड़ियों को खाना खाओ और फिर निकल लो। हाँ, खाना खाओ, उसका दूध निकालो अगर निकाल सकते हो तो, और ऐसे आप 2-3 दिन रुक सकते हो तो हमें हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन अनजान लोगों को सीधा ये भरोसा नहीं करते, ये तो सिर्फ हम मजाक कर रहे हैं। हम कर लेते हैं पूरा काम रोज का, लेकिन इसका भरोसा जीतने के लिए एटलीस्ट 15-20 दिन चाहिए होते हैं। आप उनको खाना दोगे धीरे धीरे वो आपके यूज्ड टू होंगे, खास करके हमारे जो डॉग्स हैं, उसके बाद शिवानी, गाय, सभी एनिमल, सभी के घर जो होते हैं वो दूसरे अनजान लोगों को देख के थोड़ा। चलो,
तो अभी के लिए टूरिज्म प्लान कैंसिल। हाँ ठीक है भारती, तू ही कर ले ये। अच्छा ये क्या कर आए पर इतनी बस ठीक कर दी। तो यहाँ पे ये है हमारी वेजिटेबल ऑर्गेनिक वेजिटेबल मार्केट, जहाँ से आपको जो भी चाहिए फ्री में लेके जा सकते हैं। सो अभी के लिए मुझे सिर्फ एक छोटा वाला बैंगन चाहिए। सो कहाँ से लूँ? और ये बीट भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है। फिर से बीटरूट का हलवा बनाना पड़ेगा अब। अभी तो मिठाइयाँ हैं, कल जो मैंने खीर बनाई थी प्रसाद के लिए। यहाँ पे है पापा, अभी पापा खेत में चक्कर लगा के आए हैं और वहाँ से ये बोर लेके आए हैं ताज़ा ताज़ा। एंड मम्मी आई थिंक आज आ जाएंगे, अभी फ़ोन करेंगे थोड़ी देर में। तो ये है पांडरी, ये हमारी साइड जो घेर विस्तार है जो सोरठ बोलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग बहुत ये खाते हैं। एंड कल हमारे यहाँ वहाँ उस साइड से कोई गेस्ट आए थे तो वो लेके आए है। और इसको कट करने के लिए भी कुछ स्पेशल, इसका जो पत्ता होता है इसके अंदर का जो एक प्लास्टिक जैसा लेयर होता है वो निकाल देते हैं, इसका एक लेयर रखते हैं, जो मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने तो ट्राई की थी कल। और साथ साथ में जो ये सीड्स होते हैं सिमिलर टू वालोर जो होते हैं उसके बीन्स अंदर के होते हैं, तो अभी इसमें इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, फिर चूल्हे पर बनेगी रोटी। यहाँ पे अभी सब्जी हो गई है रेडी, रामदे ने बाजरी जुवार काट लिए, अभी रजका काटने के लिए गया है और मैं वो मशीन में जल्दी जल्दी कट करके गायों को डाल देती हूँ, फिर खाते हैं खाना। ये बीटरूट है जो हमने लगाई थी, अभी कैरेट के बाद सीधी ये खाने को मिलेगी। हमारी गाय और घोड़ियाँ तो शायद शिवानी को इतनी पसंद नहीं है बीटरूट, तो गायों को बहुत अच्छी है उनकी हेल्थ के लिए। मैं तोरी के लिए ट्राई करने वाला हूँ, खा रही है कि नहीं, क्योंकि तोरी जब से आई तब से बीट नहीं मिली उसको। शिवानी को तो पहले मैंने बहुत ट्राई किया बीट खिलाने के लिए, नहीं खाती वो, अब खाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब ये ना खाने में ज़्यादा वो कंसंट्रेट करती है। गाय तो खाती है, शिवानी हमेशा ही खाने में कंसंट्रेट करती है, लेकिन बीट का पता नहीं उसको, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है। ट्राई करो शायद खा लेगी। स्मेल कर रही है पहले, तो देख के ऐसा लग रहा है कि इसको खाना नहीं है। तोरी खा लो, स्मेल कर रही है, छोड़ के चले जाओ। अब ये मीरा को देखना, मीरा हेलो यार, मीरा मीरा, क्योंकि मीरा को पता है कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट है, इसलिए ये पहले थोड़े टाइम पहले ये फिटनेस ट्रेनर भी रह चुकी है। ये पत्ते खाएगी, इसके बाद बीटरूट की बारी लेगी, लेकिन अभी ये अच्छे से काट नहीं पा रही है। लास्ट ईयर तो ये भी हाँ नहीं खाती थी, लास्ट ईयर इसने बहुत खाई है। टीलू तो खाती है, शिवानी का चेक करना है, शिवानी खाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पक्का पता नहीं खाएगी। मैंने बहुत ट्राई किया, कैरेट के साथ काट के मिक्स करके भी देता था उसको, नहीं खाती, पत्ते खा जाएगी लेकिन ये नहीं खाएगी। नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, घोड़ियाँ बहुत ही रेयर घोड़ी होगी जो बीट खाती होगी, क्योंकि इसकी स्मेल शायद इनको पसंद नहीं है। अभी वैसे भी वो डाल दो वहाँ पे देखना, लेटर ऑन शायद ऐसे ही पड़ा होगा या खा जाएगी, अगर नहीं खाना होगा तो साइड में कर देगी, नहीं खाएगी, मुझे पक्का पता है नहीं खाएगी। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, यहाँ पे हमारे घर गेस्ट आए हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, ये पूजा है जो हम सबकी बहुत बड़ी फैन है। ओम अभी खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर ही खेल रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रुकना होगा पूजा को एक दिन के लिए, फिर ओम अपने टॉयज के साथ खेल सकता है। यस
और सब गेस्ट है यहाँ पे। सो अभी इवनिंग में यहाँ पे कढ़ी बनी है इसके साथ, रोटला अभी बस मैं बनाने ही वाली हूँ। कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसमें फ्रेश फ्रेश मैंने अभी धनिया डाला है तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। एंड ओम का होमवर्क चल रहा है, रामदेव हेल्प कर रहा है, तो अभी बस थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पे दूध रखा है जो जमाने के लिए गर्म करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ चूल्हे पे रोटला, पापा अभी यहाँ पे बैठे हैं, ओम का अभी अंदर होमवर्क चल रहा है। आज संडे है लेकिन कल का जो होमवर्क था वो बाकी था, तो अभी वो थोड़ा सा बाकी है। तो रोटला बनाने के लिए हम पहले उसमें पानी डालते हैं और एक एक रोटला का जो आटा होता है वही रेडी करते हैं। सो पहले पानी डालते हैं और इसमें सॉल्ट डाल के फिर इसमें जो बाजरी का आटा होता है वो डालते हैं। और जब तक एक रोटला रेडी हो जाता है तो दूसरे रोटला का जो आटा होता है ये जो ये रेडी करते हैं वो रेडी हो जाता है, तो ऐसे वन बाय वन ये पक जाता है। और रोटी 3-4 खा सकते हैं लेकिन रोटला 1 या 1.5 तो मैक्सिमम खा सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता है तो 2 खा सकते हैं रोटला। और हमारे यहाँ तो विंटर में ज़्यादातर रोटला ही खाते हैं, मुझे तो रोटला पसंद है। एंड वेट लूज के लिए भी बाजरी का रोटला अच्छा होता है ना, इसलिए बनता है वो, अच्छा होता है खाने के लिए। क्योंकि जब गैस या दूसरे इसका ऊपर बनाते हैं ना तो कच्चा रह जाता है शायद, इतना पकता नहीं। और पहले ज़्यादातर पापा और उस टाइम पे रोटला ही खाते थे, रोटी कम खाते थे। अब सब लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, रोटला कम खाते हैं। लेकिन बाजरी मक्की का आटा लेके आने की ज़रूरत है ना, एक दिन बनाएंगे वापस। मक्की का लाएंगे, मक्की खाने में मज़ा आता है। लास्ट ईयर आए थे तो बहुत बना रहे थे, इस साल अभी लेके नहीं आए मक्की। रेगुलर तो हम नहीं खाते मक्की का रोटला। और आजकल की ये जो बाजरी आती है वो भी पहले से डिफरेंट आती है। पहले पापा बोलते थे कि जब ये रोटला बनाते हैं तो दूर दूर तक इसकी स्मेल आती थी पूरी। हाँ, अभी बाजरी लगानी पड़ेगी हमें खेत में, नेक्स्ट ईयर लगाएंगे बाजरी घर की। બાજરાનું બી આપણા આ વિસ્તારમાં નહોતું, આ પ્રાંતમાં તો 1 લાખો થયો, આટકોટમાં 1 લાખો બાજરાનું બી લેવે એ બાજુથી, તે લાખે આવે ને આ વાત કરી આ બુઢિયા બુઢિયાઓને કે આ બાજરો ઘોડા ખાય તો ઘોડાઓની પાંખું આવે અને બુઢિયા ખાય તો બુઢિયા જવાન થઈ જાય, એ તેતુનો બાજરાનું બી આપણા વિસ્તારમાં આવ્યું આ દેહમાં, તો એ બાજરો દેહી હતો એનો અવડ્યો હાથ એકનો ડુંડો થાય અને 10 છોડવા થાય એક બીમાંથી, એ દેહી બાજરો કહેવાતો, ફૂટ્યું મૂકતો જાય ને ડુંડું કાઢે, તો એ આ લોકોને અટાણે જે ખેતી કરે છે આ બધા એને આ થાય કે આ મોડાવેલું પાકે ને વાહમો જ પાકે, પ્રથમ ડુંડું નીકળે પહેલાં દાણો ભરાઈને પાકે ને પાછા મોડા મોડા જે છોડવા ફૂટ્યા એનું ડુંડું મોડું પાકે, એટલે ખેતર તરત ખાલી ન થાય ને હોરી પછી વાવાય વરસાદ નજીક આવી જાય આવું થાય, એનાથી દેહી બાજરો કોઈ વાવતા નથી પણ એ દેહી બાજરો ખાવામાં બહુ સારો અને એનો સારો પણ ઢોર ખાઈ જાય, બહુ મીઠો લાડુ થાય અને બાજરો તો માનો કે એક એક ખેતર ખેતરમાં એનો સુગંધ આવે કે બાજરાના રોટલા ઘડાયા, તો આવા બધા ખોરાક જે આપણા પ્રથમના જૂના ખોરાક હતા એ આ અટાણાના છોકરા એ બધા ભૂલે કે એને ખબર નહીં કે બાજરો કેવો હોય, ઘઉં પોપટિયા વાવતા પછી ખંડવેરીમાંથી દાણો કાઢતા ને એની લાફી બનાવતા। पार्टी पहले जब अंडर प्रैक्टिस थी तब छोटे होते थे, अब तो हो जाते अभी बड़े बना सकते, फिर भी मम्मी जो
जिस टेक्निक से बनाते हैं वो अलग ही बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी सी स्टाइल होती है, और मम्मी बहुत बड़े बनाते हैं, मेरे से इतने बड़े नहीं होते। इसके ऊपर जैसे फिंगर्स के डिजाइन हो जाती है पूरी।